हेलो गाइस, आज ऐसा एक पिक्चर के बारे में अपन बात करने वाला है। वो पिक्चर का जैसे इंडिया में दूसरा एक पिक्चर कभी आया ही नहीं, और जो वो रिकॉर्ड जो बना है ये पिक्चर, वो रिकॉर्ड मतलब और दूसरे फिल्म भी मतलब उसका रिकॉर्ड थोड़ा भी नहीं। ऐसे ही एक पिक्चर के बारे में अपन बात करने वाला है। वो पिक्चर का नाम है थ्री इडियट्स। राजकुमार हिरानी का थर्ड पिक्चर है वो, एकदम कमाल का, अमेजिंग, माँ कसम बोलने वाला ऐसा एक पिक्चर है। थ्री इडियट्स के बारे में तो आप लोग जानता ही होगा। थ्री इडियट्स भी आप लोग कितना बार भी देखा भी तो भी बोर नहीं होएगा, उतना अच्छा पिक्चर है वो। वो जो रिकॉर्ड जो बना है वो उसके बारे में अपन एक बात करने वाला है। IMDb करके एक वेबसाइट है, वो तो आप लोग जानता ही होगा, ठीक है। वो वेबसाइट में ये पिक्चर ने एक कमाल का एक रिकॉर्ड बनाया है, थ्री इडियट्स ये पिक्चर है। उनका मतलब IMDb में वोट मिला था कितना, 3,75,000 वोट मिला। अभी मतलब मैं अभी जस्ट देख के आया, 3,75,000 वोट से 8.4 मतलब 10 10 मतलब देते हैं ना, 10 में 8.4 रेटिंग है। इतना अच्छा पिक्चर है। और ये 2009 में रिलीज हुआ था। आमिर खान आर माधवन आर वो दूसरा कौन, शर्मा, जोशी शर्मा और मोना, और दूसरा कौन था वो, कृतिना कैफ, नहीं, करीना कपूर, यार सॉरी गलती हो गया। और मेरा फेवरेट भी ये कौन वो, अरे यार उसका नाम नहीं आ रहा यार, नाम क्या था उसका, लेकिन वो भी मैं मतलब राजकुमार हिरानी सब पिक्चर में उसको देखते आ रहा हूँ। उसका एक्टिंग भी एक कमाल का है जिससे, लेकिन उसका नाम तो मैं बहुत अच्छे तरह से जानता था, लेकिन ये वीडियो निकलने टाइम में मतलब भूल गया यार। ऐसे ही हो जाता है, क्या करेगा यार। वो मतलब मुन्ना में भी इसमें वो डीन रहता है, और वो सेकंड वाला लगे वाला मुन्ना भाई में वो सरदार जी रहता है, और तीसरा इसमें टीचर रहता है, ठीक है। और चौथा फिल्म कौन सा, PK में वो TV का ओनर रहता है, और फिफ्थ फिल्म संजू में उसका क्या बोलता, अंकल बूटे, संजू का बूटे रहता है वो। उसका नाम क्या था यार, शिट मैं उसका ही नाम याद कर रहा हूँ यार। आ जाना, आ जा रे, ओ शिट क्या नाम था यार उसका, ईरानी, आहा, बामन ईरानी कुछ तो नाम है, ठीक है वो भी अभी, लेकिन ईरानी करके तो बामन ईरानी कुछ तो नाम है, वो भी अच्छा एक्टर है यार। उसको भी पिक्चर मतलब एकदम सॉलिड पिक्चर है। और राजकुमार ईरानी के बारे में अभी अभी अपन बात करने वाला है, वो भी क्या डायरेक्टर है यार। इंडिया में तो ऐसा एक डायरेक्टर इसके बाद ही रहेगा, लेकिन ये सबसे पहले रहेगा राजकुमार ईरानी सर, ठीक है। और अभी थ्री इडियट्स के बारे में बात करेंगे। थ्री इडियट्स तो एकदम कमाल का, एकदम सबका इंस्पिरेशन करने वाला एक पिक्चर है। ऐसा एक पिक्चर बनाया है, और वो पिक्चर ने 2009 में रिलीज हुआ था। अभी तो अभी मतलब इंडिया में जो इंडिया में 2015 का बात ही नेटवर्क का ये ज़्यादा हुआ है, मतलब सोशल मीडिया में डाउनलोड ज़्यादा हुआ, और यूट्यूब में व्यूअर्स उसके बाद ही ज़्यादा आया, और IMDb में भी वोटिंग तो उसी टाइम बहुत कम था, और एकदम मतलब सबका पिक्चर देखो 14,000 वोट्स रहेगा और रेटिंग कम रहेगा, और 20,000 रेटिंग रहता वोट रहता, और 30,000 40,000 उतना ही रहता। लेकिन ये 2009 में आया तभी 3 लाख का ऊपर क्रॉस कर दिया वोट्स में, देखो फिर कितना अच्छा रहेगा वो तो आप समझ सकते हैं। अभी एक जय भीम करके एक तमिल पिक्चर है, उसने मतलब एक रिकॉर्ड बनाया था, 9.4 रेटिंग है, और 1.5 लाख वोट मिला है उसको।
लेकिन वो अभी तो वो सकते हो, वो OTT में रिलीज हुआ, OTT में देखने वाला सब नेट के बारे में सब लोग जानता ही है, ठीक है। OTT में देखने वाला सब नेट के बारे में जानता है और IMDb के बारे में भी जानता ही है। IMDb में जाके वो फटाफट जाके वोट कर सकते हैं। लेकिन ये थ्री इडियट्स जब रिलीज हुआ था ना, तभी कुछ ही नहीं था इंडिया में, तो पिक्चर देखने जाता था, लेकिन ऐसा नेटवर्क नेटवर्क का ग्रोविंग नहीं था, कुछ भी नहीं था। तभी तो अपना पास 2G था, और बहुत मतलब तभी तो किसी के पास भी मोबाइल ही नहीं रहता था। अभी तो सबके पास टच मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल आ गया, ठीक है, वो समझ सकते हैं। उसी टाइम वो उतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया, तो कितना बड़ी बात है यार, वो बहुत बड़ी बात है। अमेरिकन पिक्चर का बारे में भी एक बात करना ही नहीं चाहिए। उसका अमेरिकन का पिक्चर 5-6 पिक्चर तो 1 लाख का ऊपर ही वोट्स, और रेटिंग भी कमाल का एक वोट मिलता है, मतलब रेटिंग्स, ठीक है। फिर समझना चाहिए यार, क्या क्या यार क्या नहीं हो सकता, मतलब 2009 में इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया तो, और क्या बोल सकता है। अभी बहुत आगे है, बहुत आगे आगे इंडिया पिक्चर में तो। 800 का मतलब कितना, 500 बजट डालता है वो, इतना डालता है ये डालता है, इतना प्रमोशन करता है यार, लेकिन वो पिक्चर को इतना ये नहीं मिला, ठीक है। लेकिन ये 3 इडियट्स को मिला तो कितना बड़ी बात है यार, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और स्टोरी लाइन भी क्या मजा आएगा यार, ये बोर ही नहीं होएगा, बोर एकदम नहीं। फर्स्ट पर एक नंबर का पिक्चर है, जो इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग करने वाला का ये फायदा है क्या है यार, बहुत सोच, राजकुमार ईरानी सर का तो सोच ये एकदम अलग ही, अलग बहुत अलग, ठीक है। मतलब ऐसे मैं बात कर रहा हूँ यार। फिर 3 इडियट्स ये एकदम कमाल का पिक्चर है, लेकिन अभी IMDb में ज़्यादा वोट नहीं दे रहा। लेकिन अभी एक जो राधे पिक्चर आया था सलमान खान का, उनका पिक्चर को तो आप लोग तो वाट लगा दिया, उसमें उसमें कितना, 1 लाख में तभी देखा था 75,000 वोट मिला, लेकिन रेट तो एकदम कम, उसको तो बहुत ही नीचे बना दिया आप लोग। लेकिन ये सबसे अच्छा पिक्चर है, ये पिक्चर तो आप लोग देखता ही देखा रहेगा, लेकिन और भी देखो, कुछ नहीं होएगा, बोर भी नहीं रहेगा। लेकिन ये इस पिक्चर के बारे और बात करना रहता हूँ यार, बात करना ही चाहते ही रहूँगा, क्योंकि उतना अच्छा पिक्चर है। मेरे को भी क्या इंस्पिरेशन दिया था मालूम है, बहुत इंस्पिरेशन दिया था, ऐसा एक पिक्चर है, फक व्हाट द पिक्चर इन द वर्ल्ड। लेकिन ये पिक्चर के बारे में और बात करते रहना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का ऐसा एक पिक्चर कभी नहीं है, मतलब इतना रेटिंग। लेकिन आप ही कलेक्शन का बारे में तो छोड़ दो यार, कलेक्शन तो मतलब कलेक्शन तो होता ही है यार, 2000 मतलब वो दंगल किया था, 1800 करोड़ ये किया था, मतलब बाहुबली, वो बात छोड़ दो, वो कलेक्शन का बारे में तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ले मैं बात कर रहा हूँ पिक्चर का बारे में, पिक्चर का क्वालिटी का बारे में, लोग कितने लोगों तक पहुँचता है यार, कलेक्शन छोड़ दो, ये कितने लोग तक पहुँचा है देखो, समझ रहे हो आप लोग, 3 लाख ऊपर वोट मिला तो कितने, कम से कम कितने लोग देखा रहेगा मालूम है, मेरे कर्ज से 10-12-20 करोड़ को ऊपर देखा रहेगा ये पिक्चर को, इसलिए तो इतना रेटिंग मिला है, ठीक है, और वोट भी मिला है, ठीक है। और इंडिया का एक पिक्चर भी ऐसा इंडियन वाला जो सबको प्राउड प्राउड मोमेंट दिया है, ये पिक्चर ने सबको दिलवाया, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखो। और हर पिक्चर देखो, हर पिक्चर देखे वो पिक्चर का रेटिंग जरूर जाके IMDb में जाके वोट करो, पिक्चर कैसे था, ठीक है, वो करेगा तो अपना पिक्चर भी और आगे निकलेगा यार, नहीं तो कोई देखने वाला ही नहीं, मतलब फॉरेन कंट्री में कैसा है वो पिक्चर का क्वालिटी कैसे चेक करता, एक टोमेटो रोट्स करके एक है और IMDb है, IMDb में ज़्यादा ज़्यादा लोग वोट देता है। आप लोग भी मतलब YouTube में करवा देता है लाइक 7 मिलियन 8 मिलियन करके लाइक करवा देते हैं, लेकिन उधर तो कितना, 20,000 10,000 और भी नहीं देता, क्यों नहीं देता यार, उधर भी जाके चेक करो, और पिक्चर अच्छा रहेगा तो अच्छा दे दो, और बुरा रहेगा तो भी बुरा खबर दो, चलेगा,
लेकिन उधर जाके वोट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी अपना इंडियन पिक्चर आगे निकलेगा, ठीक है। लेकिन यार एक बात बताऊं, अभी कोई भी ये 3 इडियट्स का रिकॉर्ड तोड़ने दो, साला वो जय भीम तोड़ा है, कितना 9.4 रेटिंग है, लेकिन वोट्स कम है इससे, लेकिन इससे वोट उसको भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो अभी नया जनरेशन में यार वो, ठीक है, अभी इंडिया तो आप बहुत आगे निकल गया, सबके पास मोबाइल है, सब जाके वोट करेंगे, लेकिन ये जो 2009 में ये रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, बात दोनों का अलग है, बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है, ये आप लोग समझना चाहिए। अभी यार एक पिक्चर तो आएगा और इसका रिकॉर्ड तो तोड़ेगा, लेकिन वो टाइम अलग है, ये टाइम अलग है, ये टाइम तोड़ेगा तो वो कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है, उसी टाइम में ये बनाया, मतलब शुरुआत ने किसने किया वो आप लोग देखना ही पड़ेगा, ठीक है। और 3 इडियट्स आप लोग नहीं देखा रहेगा तो जरूर जाके देखो, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को लाइक करो, धन्यवाद।